जय श्री राम मित्रों, लंकापति रावण को रानी मंदोदरी द्वारा कर्तव्य का स्मरण कराना। मित्रों, युद्ध करने को आतुर अपने स्वामी रावण को रानी मंदोदरी ने पहले यह बतलाने का प्रयास किया था कि जिससे आप युद्ध करने जा रहे हैं वे साधारण मानव नहीं वरन प्रभु के अवतार हैं, अतः आपको युद्ध नहीं करना चाहिए। इसके बाद मंदोदरी जो कहती हैं वह अपने आप में अप्रतिम है। रानी मंदोदरी अपने स्वामी रावण को गृहस्थ आश्रम में रहकर भोगों में ही लिप्त नहीं रहने की सलाह दे रही हैं। वे कहती हैं, संत कहई असि नीति दशानन, चौथे पन जाए नृपकानन। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन यानी वृद्ध अवस्था में राजा को वन में चला जाना चाहिए। एक मनुष्य के जीवन में चार अवस्थाएं आती हैं, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, प्रौणावस्था एवं वृद्धावस्था। इस दृष्टि से हमारे ऋषियों मुनियों ने मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा के चार पड़ाव आयु के आधार पर निर्धारित किए थे। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम तथा चौथा संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मचर्य अवस्था में बालक को संसार के ऐश्वर्यों से दूर रखा जाता था ताकि परवर्ती काल में संसार के ऐश्वर्यों का सम्यक ढंग से उपयोग कर सके। अथर्व वेद के ब्रह्मचर्य सूक्त के 26 मंत्रों में 15 बार तप शब्द की आवृत्ति हुई है। यथा रक्षति तपसा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु पादनत। ब्रह्मचारी तप से अपने जीवन की साधना करता था। ऋषि मुनियों के आश्रम में उच्चतम नैतिक वातावरण उपलब्ध था। इन आश्रमों का नाम गुरुकुल था। 25 वर्षों तक तपस्या पूर्वक विद्या की साधना के बाद उसका सामावर्तन संस्कार होता था। तब वह संसार में रहकर आत्म तत्व को विकसित करने के लिए दूसरे पड़ाव यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम संसार को भोगने का आश्रम है। भारत के गृहस्थ भोगों का रस इस प्रकार लेते थे कि इस रस की लालसा जीवन के अंत तक बनी रहे। हम सभी जानते हैं कि संसार के विषयों को भोगने से शक्ति का ह्रास होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ शक्ति क्षीणता भी बढ़ती जाती है, फिर शक्ति ना रहे, लालसा बनी रहे, इससे बढ़कर दुर्गति और क्या हो सकती है। अतः ग्रस्त जीवन का आदर्श यह है कि मनुष्य विषयों को भोग कर विषयों से ऊपर उठ जाए, फिर उसे विषयों का मुंह न ताकना पड़े। वर्तमान समय में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद लोग इसमें से निकलने का नाम ही नहीं लेते। अधिकांश लोग तो इसी में पड़े पड़े अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। लंकापति रावण की स्थिति भी यही थी। वह गृहस्थ आश्रम से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। गृहस्थ आश्रम अंतिम पड़ाव नहीं है, इसके बाद दो पड़ाव और हैं, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। रानी मंदोदरी अपने पति को बाकी पड़ाव की ओर जाने के लिए संकेत कर रही हैं। मित्रों, दोनों आश्रमों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इससे आगे का प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।